हैदराबाद में राहुल गांधी की रैली में उमड़ा भारी जनसैलाब, भीड़ देख पूरा देश हुआ दंग। जी हाँ, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके और लगातार धुआंधार रैली और रोड शो करते हुए नजर आ रहे। हाल ही के दिनों में कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसी कड़ी में हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा सर्वेक्षण कराया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम पहले यह भी निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों से संबंधित है। लेकिन राहुल गांधी की रैली में जिस प्रकार से आधी रात को जनसैलाब उमड़ पड़ा, इससे तो यह साफ हो गया कि तेलंगाना में कांग्रेस की भयंकर आंधी अभी भी है। क्योंकि हाल ही के दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई है। जिस तरीके से आधी रात को राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक भव्य रैली को संबोधित किया, जिसमें देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में राहुल गांधी को सुनने के लिए यहां पर जनता जनार्दन पहुंची हुई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।